बाइबल में लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन है हमारे अंदर। तो जब हम नया जन्म पा लेते हैं, दो मन है, एक हमारा मन है और एक परमेश्वर का मन है। कितने मन है? एक किसका मन है? एक हमारा है और एक दूसरा किसका है? परमेश्वर का। अब प्रॉब्लम यह है, अब दो मन है, क्या करें? तो हम इन दो मनों में लटकते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कर, लेकिन मेरा मन कहता है नहीं। प्रभु कहते हैं कर, मेरा मन कहता है नहीं। प्रभु कहते हैं विश्वास योग्य बन, लेकिन मेरा मन कहता है नहीं, ऐसे थोड़ा ना जिंदगी बीत जाएगी। प्रभु कहेंगे मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, हम कहेंगे नहीं प्रभु, दुनिया बड़ी धोखेबाज है, अब आप पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि धोखे सह सहकर अब ना ऐसे लगता है परमेश्वर भी धोखेबाज है, जबकि उन्होंने लिख के दे दिया भाई मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, आपके व्यापार के पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं, कोई मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, आपका पति हो सकता है आपको धोखा दे दे, पत्नी हो सकता है धोखा दे दे, बच्चे हो सकता है धोखा दे दे, परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, उस देश को जा जिसमें मैं तुझे जाने को कहता हूं। वो चला गया और हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसको धोखा नहीं दिया। 100 साल का हुआ उसको बेटा दे दिया, धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी उसके जीवन के बारे में परमेश्वर ने बोला था उसको धोखा नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चे, तेरी संतान, तेरा वंश मैं एक देश में गुलाम करके रहेंगे, लेकिन मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। 400 साल से कुछ ज्यादा समय के बाद एक दिन आया परमेश्वर उनको वापस उस जगह में ले आए जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। यशाया की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में साफ साफ लिखा है, 700 साल पहले लिख दिया गया, 700 साल के बाद परमेश्वर ने अपना कहा हुआ वचन पूरा किया, परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। इसराइलियों को कहा यर्दन नदी में पांव रखो, जैसे पांव रखोगे नदी सूख जाएगी और जब तक तुम नदी को पार ना कर लो तब तक पानी नहीं आएगा। एक एक करके एक एक इसराइली नदी पार कर गया और जब तक परमेश्वर का संदूक वहां रहा पानी वापिस नहीं आया, कोई भी नहीं डूबा। लेकिन जैसे ही आखिरी याजक का कदम उस जगह से जो नदी का स्थान था वहां से बाहर निकला, आगे पड़ा, पानी वापस आ गया। परमेश्वर ने इसराइलियों को लाल समुंदर पार करने को कहा, दोनों तरफ पानी ऊंची ऊंची दीवारें करके खड़ा है, ऊंची ऊंची दीवार करके खड़ा है। अब सोचो आपके दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हों। किसकी दीवारें? बर्फ की नहीं, पानी दीवार बन के खड़ा है, यानी कि लहरें अब इधर इधर आने की बजाय ऊपर ऊपर जा रही हैं और आप दोनों तरफ से जा रहे हो। मुझे बताओ डर लगता है कि नहीं? और आवाज और पानी की गूंज कितनी ज्यादा होगी। लेकिन वो उसमें से पार निकल गए और जब तक आखिरी इजरायली उसमें से बाहर नहीं निकला तब तक पानी वापिस नहीं आया। ये है हमारा प्रभु, जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। अगर हमें लगता है हमारी जिंदगी भी ऐसे है, लाल समुंदर में से गुजर रहे हैं, फिक्र मत करो, आप नहीं डूबोगे। जब तक आप पार नहीं हो जाते पानी वापस नहीं आएगा, आपके कारण वो पानी थमा रहेगा। जैसे ही आखिरी इजरायली पार हुआ पानी आया, मिस्री मारे गए। हम जानते हैं दुनिया का अंत नजदीक है, लेकिन जब तक कलीसिया वहां पार नहीं ना हो जाती तब तक आखिरी आपदा नहीं आएगी। प्रभु के लिए ताली बजाएं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इंतजार करेंगे अपनी कलीसिया के उठाए जाने का और उसी के बाद जो कहर होगा वो आएगा। प्रभु धोखा नहीं देंगे अपनी कलीसिया को। उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और एक दिन मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ वहां पर ले जाऊंगा। आपने कभी ऐसी शादी देखी है? लड़की वाले पूरी तैयारी करके बैठे हों और लड़का ना आया हो। कई बार ऐसी शादियां हुई है ना, कई न्यूज में देखने को मिलता है, सोशल मीडिया को देखने को मिलता है,
लेकिन वो दुल्हा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। उसका एक वायदा है, वो जरूर आएगा।